आवाज नहीं रे। मैं वो चहरिया नाग हूं कि डसता नहीं निगल जाता हूं। अभी क्या देखा है देखते जाओ। कसम से इस राज रियासत को अगर जलिया वाला बाग नहीं बना दिया तो ठाकुर होने का मतलब ही क्या है। सिपाही राम बले, अरे सिपाही राम बले, इस रितवा की लाश को ले जाओ, इस रितवा की लाश को ले जाओ और बिन कफन के गंगा में दफन कर दो। याद रहे अभी तो शुरू किया है, इसका अंतोगत बड़ा भयानक होगा। एक साले का दिमाग आ कंप्यूटर आ यार, फला बताओ सर लड़कों का जेल सार भिजवा दीस और आज सेनापतियों का फंसा दीस। लियो हमका यार विश्वास है सेनापति ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन एक सारे का दिमाग आए कंप्यूटर आए या सार जब राज दरबार में वही पतली में खा तो वही पतली में छेद करत है। जाओ साले ऐसी जगह मरी हो तुम जहाँ साले पानी हो ही पानी दिए वाला कौन रही। हमें गांव घर के बिटिया बहन आए चली यार एक लहाज एक घर में कौन नहीं ना के महतारियों नहीं ना बप्पो नहीं ना। चली यार चंदा लगा के सारे के कैम क्रिया करम करब भाई नहीं कौनो खेते मेड़े में तो अब दे अब लोधन बगिया में एक चौरी समाज बनवा दिया बोर का हो लाई चली नहीं बोरिंग पधाई दिया बप है। आओ दादा तक छिंदा लियो तुहिन मददगार हो आओ दादा आओ। अरे भगवान ना बेचारा खाना मांगे ना पानी मांगे ना चाय मांगे अकेले खाए पी नहीं जात कौनो कुछ कौ मिलायू नहीं आवत कि 2 रुपया बीड़ी भरे का हमका दे दिए। चलिए यार इंतजार करी एको इनके घरों वाले नहीं होते कि एक का 10 रुपया 20 रुपया दिन दिए ना हुए बीड़ी पुड़िया भरे हो जाए। दीपक आओ देखो आज हमारे लंबरदार तुमसे मिलने के लिए आए हैं, कल तुम्हारी फांसी हो जाएगी जो बोल बतलाना है ठाकुर साहब से मजबूरी बताइए हो सकत के यही छोड़वाए दिए भैया। छोड़ते हथकड़ी रंपलिया। ओ भाई हथकड़ी तो छुड़वाए दी समका जनात है हे भगवान बच जाए कनु तरह। हे रंपलिया सामने आ रही क्यों मैं लौंडिया बाज और हंस महामंत्री और हंस। अरे कल आप फाड़ फाड़ के हंस ले क्योंकि आज तेरा वक्त है, आज तेरा वक्त है तू हंस रहा है। लेकिन याद रखना जिस दिन मेरे पिताश्री को तेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल गया उस दिन इस कारागार में मैं नहीं बल्कि तू होगा
और तेरी जगह पर मैं हंसूंगा गला फाड़ फाड़ के। अरे यही मनहूस खबर तो तुझे सुनाने आया हूं रे। मतलब यह है कि जिस रीता ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है उसका नाम मत लीजिए ठाकुर साहब, उसी को तेरे बाप ने मार दिया और वो रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया है और तेरी तरह जिंदगी और मौत के बीच वो भी ससुरा जूझ रहा है। इसमें भी तेरी कोई चाल है, इसमें तेरी कोई चाल जरूर है। चाल मेरे पिताश्री को तूने फंसाया है। मैं तेरे सब परिवार को तहस नहस नहीं कर दिया तो ठाकुर होने का मतलब ही क्या है। आखिर महामंत्री, आखिर तुझे मेरे परिवार को इस तरीके से सताने में क्या मिल रहा है? इस राज रियासत सूरतगढ़ में मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी हमारे सामने सर उठाकर जिए। अरे चक्रा के जीना है वो हमारा सामने सर झुका कर जिए, वरना ससुरे का सर धड़ से अलग करवा दूंगा, ताकत से नहीं दिमाग से। लेकिन मैं सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक, सर कटाना सीखा है लेकिन सर झुकाना नहीं सीखा है। हराम जादे, तुझे तो ऐसी घिनौनी मौत और ऐसी घिनौनी सजा दिलवाऊंगा, ना कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही किसी मुजरिम ने आज तक सोची होगी। नजर फाड़ कर देख लो, मैं जरा दूसरे मिजाज का हूं। याद रहे ठाकुर राघव सिंह से पंगा लिया तो मिट्टी में मिला दूंगा। सूरतगढ़ वालो, अगर हमारा दुश्मन तड़पता है तो हमारा के तड़पाने में बड़ा मजा आता है। याद रहे मैं नायक नहीं खलनायक हूं, विधानसभा रामपुर खास जिला प्रतापगढ़। क्या बात रामली, क्यों रो रहे हो भैया? महाबली, क्या बात है? रोवे वाली बात है भाई, जयबार साला मंत्री आवत है, सेनापति के लड़का के बहुत मारत है,
अगर हम बीच में बोली तो साला हम हो का मारा थे मंत्रिया। हाँ यार आज आज साला हमका आज बहुत ज्यादा मार दी। देख तो यार माथे सब खून ही खून बहुत है भाई। यार इसके सर पे चोट मार दी। सर पे साला कुंदा उंदा मार दी। तो यार कहां का साला बताओ हमका भाग जाएगा जेल से। सर चलागा चलागा कहीं इसकी जेल से बाहर ले। यार हम जेल से बाहर लाओ कहीं से मिलबे। हाँ हम जाने आवा है सर छुड़वावे। यार भैया हमें न रहे पर बहुत मारिस यार। राम बली अब किधर चले गए बेटा? अगर आपकी आवे तो हमका बताए। हाँ। अगर जेल के अंदर उनका बेटा का अच्छा अगर उनका हम ना मारा हाँ? उनका खुदे ठास ठास के मार दो। हाँ हाँ इस समय सिंगापुर के दारा हो रहे हो का? अरे यार दारा की बात छोड़ो। दारा नहीं मैं पनारा हूँ सिंगापुर का। पनारा है? हाँ। ठीक है यार देखो तो खून बहुत है यार। आओ तो एक ब्याना वाना पानी वानी छिट्टा मारो शायद होश में आ जाए। ऐसा कुछ है? है पानी का छिट्टा मारा जाए हो सकता है। भगवान से आओ विनती करा जाए शायद होश में आ जाए। होश में आ जाए तो यार महाराज फांसी को हुक्म दिए हैं और ये निरा निरा अन्याय हो रहा है। अन्याय तो हो ही रहा यार। और इस बच्चे को अगर होश में आए तो यहाँ से छोड़ दिया जाए खोल दिन जाए। और मंत्रिया साले से न तुम बताओ है? न वैसे साले से हम बताए। ठीक ना बताए जा यार पानी पानी ले पहले कौन कड़ाही से भर लिया जा। अरे बाप रे दैया साला हमेशा आवत मार मार के चला जात है। बाल दैया खून बह रहा माथे में। रामबली देखिए मैं पानी का छीटा मारता हूँ हो सकता है कि इधर होश में आ जाए। छीटा मार भैया दीपा भैया दीपक होश में आइए। बचपन के हमारे व्यवहारी हो आज काफी दिनों के बाद हमारा और आपका मुलाकात हो रहा है इसलिए होश में आइए भैया भैया भैया। भगवान मुझे छोड़ दो मैं निर्दोष हूँ मुझे छोड़ दो यार हमका तुमका कहा था मुझे छोड़ दो मैं निर्दोष हूँ। हाँ यार हाथ जोड़ के कहा था मुझे छोड़ दो। हमका याद है का बहुत मारी से यार एक यार हम दिमाग नहीं काम कर रहा था। हमका याद याद दास्त खोए के कहा यार यार रामबली जब सोएगा यार जब सर में चोट लग जाएगी वही घाव में तो पानी नहीं मार दी है। हो सकता है यार पानी का छीटा मारा है पानी पड़े कहाँ कौन कहती फेंके बोतलवा बे बोतलवा रुक जाओ उठा उठा के ले सारे खंधक में फेंक दिए दिया पूरा भर ले आई कड़ाही में। हाँ भर के ले जल्दी बाल ले दैया जौन मार मारे सर एक सारे गोरु हरा मर जाए कड़ाही तो भर के लाए ले आपकी तो अब छीटा मार वही बदरी वाली कड़ाही की यार पानी आए यार ये तो फटफटा रहे हो कौनी तरह छीटा मारे यार कौनी तरह छीटा मारे यार। हमका यार बचपने में क्या कौनो बीमारी रही है झटका के। हाँ यार देख तो घोर घोर चितावा था यार बुलकार तो यार हमारा तो हिम्मत ही नहीं पड़त। भैया दीपक होश में आओ दीपक ये जेल से तुम कहाँ पंचन
आजाद कर रहे ने। हाँ भैया दी, नहीं काल तुम्हारी फांसी हो जाई। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाइए भैया दी। हाँ भैया चले जाओ भाई, तुम्हें हाथ गोड़ जोरी। भज्जा रे ए भज्जा, भज्जा कहा दे भांजा रे, कहेगा भज्जा रे कहा भांज रे तो कहा के फांसी बाबे। अरे भैया काल महाराज आदेश दिए तुम्हार फांसी हो जाए, तुम्हें जेल से चले जाओ, नहीं तुम्हें चाहते हमारो फांसी हो जाए भाई। भैया तुम चले जाओ, भैया तुम चले जाओ, नहीं तो आप फांसी हो जाए, महाराज फांसी दे दिए और तोरे साथे साथे हमारो फांसी हो जाए। जा भाग जा, जा, जा। हम भाग जाए, हम भाग जाए, हम भाग जाए। अरे अरे यार भैया आएगा कहाँ यार, ये तुम्हारे बहन देव तुम साले खुदे भैया आएगा। भैया दीपक, भैया दीपक समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश कीजिए। काफी दिन के बाद हमारा और आपका मुलाकात हो रहा है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके। काफी दिन बाद मिला बाटे लिया एक धोवा देख कर, एक धोवा लिया जा अपने मौसिक मशीन में का प्रेस करावा। अच्छा प्रेस मशीन में, मौसिक मशीन में पुरान है, पहले पहले वही मशीन में धोवा। मौसिक मशीन का बोलत बे? मौसिक मशीन नहीं बुआ का मशीन, वाशिंग मशीन हुई बे, कपड़ा धोवा। वाशिंग मशीन, वाशिंग। अरे तो यार भैया ऐसे बोलो ना भैया, जितनी जल्दी हो भाग जाओ यहाँ से। हम न जा, हम न जा, न जाइए तो मार डाय जाइयो। के मारी के मंत्रिया मार डाई, मंत्रिया मैया चाय पियाओ। चाय पियाई है अब मंत्रिया के मैया का चाय पियाए बहन, हमार तो भाई मैया का पकौड़ा खवाई। अच्छा ला ले, ले जाओ भाई। ए महाबलिया हमका जना दे बैला आएगा भाई। भैया रे हाँ हम जाई। हाँ भाई चले जाओ। हाँ भैया चले जाओ, हमारा ब्याह होए वाला बाबे। कब आए? हमारा ब्याह बाबियान। ए ए कहा थे मैं दीपक भैया, हम बिहान बिया वाले हन। बिया नहीं सारे का अभिन उधर। अबे बिया हुए वाले माया है। कब है बिया हो? तो कई चीज खवाऊ का, तो कई चीज खवाऊ का, तो का खवाऊ लेउड़ी लामाऊ वाली। अरे यार लेउड़ी नहीं तो बेउड़ी बे, तो कई एक चीज और खवाऊ पे। का खवाई हो? जो नहीं ठीक हो ठीक रहा था। ठीक हो ठीक दत वक्त रे दाबा चुल्ल से मूत मारा था यार। ठीक ठीक रहा था और दांते तरे दाबो तो चुल्ल से मूत मारा था। हम ऐसा आज खटकी जबक तो बात नहीं करा थे सारे कहे चल बलेली, चल बलेली गुरहिवा कहे चल बलेली। यही के तो सुनो तो हे भैया, गुरहिवा जलेबी के आदि जानत के ज्यादा है के? बिंदरा के दुल्ही तिवारी फूर के औका बेचा करा थी। माफ करी औका, ऐसा करो बिंदरा के दुकान के बात ना करो, उनके बिंदरा के गोविंद के अम्मा आगे दुकान था के बेचा थी। और सुनो चलो चलो चला जाए। हम कोई लरिया के जाइब हो लल मुनिया के माई, हम कोई लरी लला मुनिया के माई, लला मुनिया के हम कोई लरिया के जाई बहु, लला मुनिया के माई। जो मोरे राजा तो फारे डावा थे जे सब फाट आई। जो मोरे राजा तू जैबा पहला रिया राजा नगर मारब मर जाइ हो
ए भैया पूछ कर दे दे यार, यार दे दे यार पूछ कर दे। ए ए हार जाई पॉइंट ना है पूछ कर ना यार भैया, यही एक घुसकट हमें पाद भाई। जो मोरे राजा तू जैबा कोई लरिया हम नहीं हरवा के, आए मेरी जान अब पूरी ना खा पर हरवा के जाई बहु लल। अब हम कौनी गली की जाई, हम कोई लरिया ना जाई बरे रहे मुनवा की माए, हम कोई लरिया कौनी कहती का भैलंडी। अबे यार 36-32 नंबर कब से पहले लागे, हमको बाजार न जाए परी है? अब न जाए परी सूची न जाए परी पारी, फिर अब ये हमका सौदा मिल जाए, सौदा मिल जाए वही वही बैलनवा यही 36-32 दिखाएंगे। अरे मो भैया हवा चीट डाई है, कहे जब कोई लड़िया ना जाए ललमुनिया कमाई। यार हमका जना थे लड़कावा बेचारा जानो हमका दुल्हन के चक्कर में बैला भाई भाई, अब बैला ने महू बैला गए का तो हूँ बैला गए, हाँ मुँह बैला रहे तो हंसना हुए ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादी यहीं बैठ गई, दादा ही सही बैला आ गए और मौसी रे दादा आओ चली बैला आएगा का खाइयो हमार बड़कवा भैया बैला आएगा आओ चली, मगर जब बैला आएगा तो हम दवाई तो हम जानते हैं मेरी जान, भैया बहन ठीक हो जाए देख ए, ए, मेरी जान आओ चली चली तुम कल चली उमरी है क्या खाओगी। बैला आएगा यार हमारा भैया बैला आएगा, इधर आइए इधर आइए भैया बैला गया राम बली खुश रहो। भैया महाबली ठीक हो? अब पहले से आराम है, पहले से आराम है, पहले से नहीं पहले से वही तुम्हारा दवाई हम बचपन से हमका पप्पा बताए गए हैं कि या बैला तो यही दवाई कह दी है ठीक हो जाए, हमें पप्पा बताई थे भला कहा हम जूता नहीं सुंघा हुआ। अरे यार भला कहा हम ठीक हो गए कौनी कहती का सारा वही कहती गवा यार कपड़ा पड़ा सब फाट डाई सब बनिया बनिया मेरी जान बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए मेरी जान। नहीं भाई साहब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। एक ही नंबर आ रे ये वही आए छत्ती 36 कहती 32 के फारिस बे एक दीदा बैलनवा आवारान वही दे के चला गया कहां बाय यही कहती गवा आउना आ चली हेरे चली जा सारे आउने में मिली बा हम जात है चली हम जात है यार ये ले चलो हम बैलनवा के लाए हमसे प्यार कह लिया प्यार हमसे प्यार कह लिया एक दाई ना ये अपना करम एक दाई कौन तेरा प्यार करा एक दाई प्यार कह लिया सही यार ये बैलहान कहा था प्यार कह लियो भाई लेडीज हो तो एकदम टेम्परेचर बने। अरे हमका दुल्हन चाही कौनी तरह के अरे मेरी जान छयम पटाका नहीं नहीं अरे हम जान नहीं हम अहीन तमाकू पान अरे हमका दुल्हन चाही
अंग्रेजी स्टाइल वाली ना स्टाइल वाली ना हे स्टाइल वाली हे स्टाइल वाली ना नहीं हे स्टाइल वाली ना नहीं भाई साहब एकदम लपकौआ नहीं ऐसी बात मत करिए एकदम लपकौआ झपकौआ यावर मोबाइल वाली ना हो एकदम लपकौआ झपकौआ हयावर मोबाइल वाली ना हे मोबाइल वाली ना हे मोबाइल वाली ना हे मोबाइल वाली ना हे मोबाइल वाली ना हमका दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल शांत। एक तरफ सेनापति का बेटा बेचारा पागल हो गया और सेनापति को कुछ मालूम नहीं है। सेनापति दूसरे कमरे में बंद हैं और वो बेटा दीपक कहाँ पता नहीं ना जाने कहाँ चला गया। और यार एक खबर और है, वह के पत्नी के एक लड़का और पैदा भा है। वह तो बहुत बड़ा हो गए, लेकिन यह खुशखबरी जब सेनापति का बताओ तो सेनापति तो खुश से हो गई हैं भाई। अरे हाँ को मौके पर ना रहा कहो घर में सौरी निपट जाए तो खुशियाँ तो मनोबे करी। चलिए यार सेनापति से बता दे जाए कि एक लड़का तुम्हें यहाँ पैदा होएगा, तुमका कुछ पता ही नहीं। चलिए यह खबर सेनापति से हम जरूर बताऊँ।